दोस्तों, यह है बायोमेस की फिंगरप्रिंट अटेंडेंट मशीन, मॉडल नंबर है LX16। इस मशीन में हमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड इनबिल्ट आ जाता है, साथ ही साथ रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है। तो पेन ड्राइव में आप डायरेक्ट एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस मशीन का इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं और रिपोर्ट किस तरह जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन में फिंगरप्रिंट रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे मेनू में। यहाँ पर M लिखा हुआ है, मेनू ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यूज़र का है, हम ओके करेंगे। ऐड यूज़र है, ऐड यूज़र में ओके करेंगे। ID नंबर 1 वो अपने आप ले लेगा। आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैक एरो है, फॉरवर्ड एरो है, अप एरो, डाउन एरो है। तो बैक एरो से हम इसको डिलीट कर देंगे और सपोज हमको देना है 101, तो 101 दे देंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं नेम का ऑप्शन है, तो नेम के ऑप्शन में आने के लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नेम रजिस्टर कर सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो नाम एंटर करने के लिए हमें M प्रेस करना है, और सपोज मुझे नाम डालना है अरुण, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर का बटन प्रेस करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं A के लिए मुझे 3 नंबर प्रेस करना है, फिर R के लिए मैं 7 प्रेस करूँगा, और यहाँ पर 6 नंबर प्रेस करना है। सेम U के लिए 8 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर, और N के लिए 6 और 4 नंबर। तो यहाँ पर ये नाम आ गया है अरुण। तो इस तरह हमने नाम यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर एस्केप कर देंगे, और अब हमें फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना है। तो फिंगरप्रिंट के लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, एनरोल FP पे ओके करेंगे। यहाँ पर आपको एक फिंगर 3 बार रखना है, सेकेंड थर्ड। तो मैंने एक फिंगर 3 बार रख दिया है। अब मुझे उसी ID पे एक और फिंगर लेना है एज ए बैकअप, तो मैं वापस पे ओके प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं सेकेंड फिंगर 3 बार रखूँगा। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट डाल सकते हैं डाउन प्रेस करके। यहाँ पर आप एनरोल पासवर्ड, आप यहाँ पर पासवर्ड भी दे सकते हैं एम्प्लॉय को। तो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ओके प्रेस करके, एंटर पासवर्ड मैं डालता हूँ 1 2 3 4, ओके, कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर पासवर्ड भी आ गया है। अब हम डाउन एरो प्रेस करके ओके में आ जाएंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह हमने एक फिंगर रजिस्टर कर दिया, एक एम्प्लॉय के हमने फिंगर रजिस्टर कर दिए। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉय का नंबर भी आपको शो कर रहा है। तो आइए आप देखते हैं इस डिवाइस में शिफ्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हम जाएंगे मेनू में, यहाँ पर शिफ्ट सेट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर जाकर हम ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट सेटिंग का ऑप्शन है 2nd नंबर, तो डाउन एरो से हम शिफ्ट सेटिंग में आएंगे, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं Shift 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर राइट एरो से Shift 1 में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं Time 1 स्लॉट दिया गया है, 9 to 6 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Shift 1 का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 18 आवर्स तक, मतलब 9 से लेकर 6 बजे तक। तो हम डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 09 में। अगर आपके यहाँ पर टाइमिंग अलग है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे जानना है इसमें 9:30, तो यहाँ पर मैं डाउन एरो प्रेस करके 00 में आ जाऊँगा। इसको बैक एरो से डिलीट करके यहाँ पर 30 डाल दूँगा, जैसे यहाँ पर 30 आ गया। मेरा अगर आउट टाइम है 7 o'clock, तो मैं यहाँ पर वापस डाउन एरो से यहाँ पर जाऊँगा, बैक एरो से क्लीन करके यहाँ पर 19:00 करके इसको ओके कर दूँगा और बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह हमने शिफ्ट भी यहाँ पर सेट कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों, इस मशीन में से रिपोर्ट किस तरह जनरेट की जाती है पेन ड्राइव में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेंगे डिवाइस में, जाएंगे वापस मेनू में। यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, हम रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट, उसमें हम ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछेगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख का आपको अटेंडेंस देखना है। तो सेम उसके लिए फिर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करके ईयर में आ गए 2021। यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर डेट है, एंड ठीक है, हम आप चेंज करना चेंज कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे और ये डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया।
तो जैसा आप देख सकते हैं डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। हम ओके करके प्रेस करके बाहर आ जाएंगे और एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं पेनड्राइव में एक्सेल शीट में रिपोर्ट किस तरह जनरेट होती है। दोस्तों देखते हैं पेनड्राइव में रिपोर्ट किस तरह जनरेट होती है एक्सेल शीट में। तो हम पेनड्राइव ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को हम ओपन कर लेंगे। तो ये आपकी रिपोर्ट आ गई एक्सेल में। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर डेट्स है 1, 2, 3, 4। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर एम्प्लॉय का पूरा महीने का यहाँ पर आपको अटेंडेंस दिख गया है। तो यहाँ पर इन टाइम है 11:06, आपको आउट टाइम भी दिखा देगा, इन टाइम आउट टाइम। फिर यहाँ पर सेकेंड नंबर एम्प्लॉय, उसका इन टाइम आउट टाइम। फिर थर्ड नंबर एम्प्लॉय, ऐसे जितने भी एम्प्लॉय है सबका एक के बाद एक यहाँ पर आपको अटेंडेंस दिखा देगा। यहाँ पर सेकेंड रिपोर्ट है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अटेंडेंस लॉग रिपोर्ट। अब इस पर क्लिक कीजिए तो ये एक दूसरी रिपोर्ट है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है पर ये हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट है। यहाँ पर आईडी नंबर 1, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आपको डेट्स आ गए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर जितनी भी बार उन्होंने पंच किया है दिन में वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाले अगली ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।